शादी में दूल्हा दुल्हन क्यों पहनाते हैं वरमाला, जानिए वजह। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूल्हा दुल्हन को बहुत सारे रस्मों और प्रथा से गुजरना पड़ता है। इनमें से एक है वरमाला पहनने की प्रथा। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। शादी के समय गठबंधन से लेकर सात फेरे तक बहुत सारी रस्में होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शादी के दौरान वरमाला क्यों पहनाई जाती है? चलिए इसकी वजह जानते हैं। लोग वरमाला पहनाने की रस्म को बेहद पसंद करते हैं। इस रस्म के दौरान वर वधु एक दूसरे को खूबसूरत फूलों से बनी माला पहनाते हैं। वरमाला शादी की मजेदार रस्मों में से एक है। वरमाला पहनाने का उल्लेख पुरानी कथाओं में भी मिलता है। एक दूसरे को वरमाला पहनाने का मतलब है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। वरमाला की शुरुआत सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के शादी से हुई थी। प्राचीन काल में गंधर्व विवाह भी इसी तरह से ही वरमाला पहनाने की रस्म से होती थी। इस रस्म को पूरा करके दूल्हा दुल्हन शादी के सात जन्मों तक बंधन निभाने का वादा भी करते हैं। इसे शादी का पहला कदम भी कहा जाता है। पहले समय में स्वयंवर में भी वरमाला पहनाई जाती थी, जिसमें लड़की अपने मनपसंद वर को चुनकर माला पहनाती थी। स्त्रियों को अपना वर चुनने का अधिकार है, इसीलिए आज भी पहले दुल्हन दूल्हे के गले में माला डालती है। क्या ये आप जानते थे? कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।